और साइकिल पे नहीं नहीं बनाएंगे, ये बना रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम। हम अब पहुंच चुके हैं बकरा मंडी में और ये भाई से बकरे का रेट पूछते हैं। क्या रेट लगी पे? पंजा पंजा। अच्छा, क्या वजन उसी? खीरा तो नहीं, धुंधा है। जो पूरे पाकिस्तान में अपने सफेद बकरों के लिए बहुत मशहूर है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत बकरा हमारे साथ है, इसका रेट पूछते हैं। ये है ऐसे क्या नहीं खड़ा मालिक? अच्छा चलो, ये दूसरा बकरा मैं बताते हैं। धुंधा है, चौगा ऐसे ही। अच्छा चलो ठीक है, कितना मंगे खड़े हुए? 90,000। चलो माशाल्लाह, कितना वजन हो सींदा इसका? 2 मंथ सी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक माशाल्लाह, माल रखी खड़े हुए? क्या ले पाए? रेट मुख्तलिफ है। 14 बकरे अच्छे लगे। इतना ऐसा तो देखने एक अद्धा कोई इतना चाहिए कि नहीं? एक चाहिए है। चलो एक देखो फिर जरा पसंद करो। ये प्योर राजनपुरी बकरा इन्हें जो के रहा जरा जा को नुकरा आ देन। एक खड़े नुकरे ते मिक्स है नो है। चलो हाँ बिल्कुल, एक गल ठीक है थोड़ी। अच्छा हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं ये राजनपुरी बकरों के बिल्कुल दरमियान। बहुत ही खूबसूरत बकरे हैं ये, तकरीबन 1-1.25 लाख का बकरा है। तो इनका वजन 2 मंथ से तकरीबन ज्यादा होगा। अच्छा हम ये राजनपुर की बहुत ही मशहूर मंडी है, यहाँ पर सफेद बकरों की बड़ी मंडी इसको शुमार किया जाता है। ये राजनपुर से तकरीबन है कोई किलोमीटर 5 किलोमीटर के फासले पर कोल्ड नसीर के पास ये मंडी लगती है। तो वैसे तो मैं बिलाग करता हूँ पहाड़ों के लिए, लेकिन ये जो है पहाड़ों की बजाय उसके लिए आज आपको बकरे दिखा रहे हैं। ये 1-1.25 लाख के दरमियान के बकरे हैं तकरीबन। तो और बकरे भी आपको दिखाते हैं, आ जाएं। बस ये हम इस वक्त पहुंचे हैं, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बकरे हैं। कराची के बच्चे नहीं, ये राजनपुर वाले हैं यार। राजनपुरी बकरे तो वो मशहूर हैं, कराची वाले तो चंगे कह नहीं। अगर मैं तुम्हें सोच क्या इनका क्या मंगदा खड़े तो एक के गेन हां ना, मैं एक दी गल पे करना हाल ही एक दा ते दस मैं वो जना जितने। अच्छा जोड़ी भी कितना दें से? एक ओ ते के एक ओ जैन भरा एम क्या ना के नहीं नहीं। अच्छा हां हां, अच्छा जो है दादा इतना 2 लाख 20 है। 2 लाख 20 है? 1 लाख 10 हजार। अच्छा 1 लाख 10 हजार। 1 लाख 10 हजार दा जेरा बकरा जो हाड़ी दी तो ना दे। ये इस वक्त देखें, ये बड़े साइज के बकरे हैं, इनका वजन कम से कम 90 किलो होगा। 90 किलो का ये होगा और इसका रेट जो है ये 1,10,000 बता रहे हैं। और छोटे साइज में भी यहाँ बकरे दस्तियाब हैं, लेकिन ओरिजिनल राजनपुरी बकरे जो है उनका रेट ऐसे ही आपको मिलेगा। ये देखें हर तरफ ये बकरे हैं बड़े खूबसूरत। और इस वक्त हम राजनपुर की मंडी में हैं और राजनपुर की मंडी जो है ये पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। और ईद बकर ईद आने वाली है, ईद उल अज़हा पे कुर्बानी के लिए लोग लेने आए हुए हैं। अभी मंडियां मेरे ख्याल में कितना मंडियां भी है, चार मंडियां और रहती हैं। बाकी आगे देखते हैं आगे बकरे कैसे हैं, उनको आपको और बकरे दिखाते हैं। ये भी खूबसूरत बकरे हैं, ये बड़े खूबसूरत 2 बकरे हैं, इनका रेट पूछते हैं। ये प्योर राजनपुरी बकरे हैं। तो यहाँ जहाँ हम ठहरे हैं, जहाँ मंडी लगती है, यहाँ से हमारे मशरक में जो है ये दरिया है तकरीबन 20 किलोमीटर
और हमारे मगरिब में इस तरफ पहाड़ है कोसुलमान, कोसुलमान के बकरे भी यहाँ आते हैं लेकिन अभी नजर नहीं आ रहे मुझे, मैं आपको दिखाऊंगा। वहां से भी माल मवेशी आते हैं बेचने के लिए बलोच। कोसुलमान माड़ी हमारा खूबसूरत अट्रैक्शन वो है, प्लेस है राजनपुर का, यहाँ भी आप आ सकते हैं। ये आपको आगे चल के दिखाते हैं आगे कैसे बकरे हैं। इधर आ जाएं, अच्छा क्या वजन हो सींदा? वजन हो सी तकरीबन जींदा, हाँ जींदा है मैं 50-50 40 किलो सी गोश्त है, 50 किलो कटसी मेरे ख्याल है ना। अच्छा ये कितने दा दखणी इंदा? मंगदा 50 50 अच्छा ज्यादा नहीं मंगदा पिया यार। मंडी हाल इतरा रानियां नाली उम्मीद रखी खड़े वे है गाल ते ये रोजी देवे अल्लाह ताको ठीक। कितना आधे खड़े हुए इंदा जी? इंदा कितना आधे पे रेट क्या है क्या पैसे है? इनके पैसे से 1,15,000 1,15,000 मांगे पे माशाल्लाह। कितना वजन उसी अंदाजा क्या वजन है? ये गाली ठीक है ठीक तो लिया तो नहीं वे आईओ को दे दे रहा है ठीक है मेहरबानी। बस काफी है। अच्छा मंडी मंडी इस वक्त काफी तेज है, उसकी वजह है कि अभी 2-3 मंडियां रहती हैं, लोग उम्मीद किए हुए हैं कि आगे 2-3 मंडियों तक रेट जो है ना अच्छा लग जाए। जिसने माल मवेशी पाले होते हैं उसकी कोशिश होती है, जिसके इंतजार भी कर लेते हैं। अभी इस वक्त मंडी में अच्छा खासा माल आया हुआ है, ये मवेशी ये बकरा भी बड़ा खूबसूरत है। हाजी साहब मुए दे 45-45 मंग दे देवण वाली गाल 42-42 हजार जी जी। ये कितनी उम्र होसी इने दी? इने दी उम्र 6-6 महीने है जी जी इमे हो। अच्छा ये बकरे हैं 6-6 महीने के, ये खुद पालने के लिए अगर लें तो ये तकरीबन 40 तक मिल जाएंगे। ये 5 बकरे हैं तो अगर 40-40 में कोई लेके खुद पाले तो अगले साल ये कुर्बानी के लिए तैयार हो। चार हैं अच्छा एक वो छोटा है क्या? वो क्या मंगदे खड़े हुए? हाँ तीन हैं दा चौथा छोड़ के चंगे ठीक। अच्छा आज ऐसा है कि आज मंडी कुछ तेज है इसलिए आज हम वापसी कर रहे हैं। अगली मंडी पे आपको यहाँ पीर वाले दिन मंडी लगती है, पीर नहीं पीर लगती है मोहम्मदपुर और मंगल को लगती है राजनपुर। राजनपुर से ये 5 किलोमीटर दूर है कोल्ला नसीर, उसके पास ये मंडी लगती है। तो इस वक्त आज मंडी जरा तेज है तो अगली मंडी में जाएंगे तो फिर आपसे बात करेंगे। ये इस वक्त ये पहाड़ी बकरे हैं, इनका पूछते हैं कि इनका इन्होंने क्या रेट लगाया हुआ है। ले लेन से बकरियां हैं सारिया, इंदा ते सिंह त्रुटा होया है। अच्छा चल ठीक, क्या मंगदे खड़े हुए ये बक 18,000 जो ये बकरी है इसका 18,000 मांग रहे हैं वो पहाड़ी बकरी। अच्छा अब हमारी वापसी है तो अगले बार देखेंगे, अगली मंडी मंगल को आएंगे तो पता चलेगा। यहाँ खाने की चीजें ये चावल इस मंडी पे, ये गुड़ वाले चावल हैं, ये आलू वाली बिरयानी है, ये लस्सी बिक रही है और इधर ये ओजड़ी वगैरह भी है। तो ये खाना घास वगैरह भी यहाँ बिक रहा होता है। तो अब हमारी वापसी बस जाते हैं, अगली मंडी पे फिर आएंगे फिर आपको रेट बताएंगे। बहरहाल मंडी का रेट ओवरऑल मुझे तो महंगा लगा लेकिन वो व्यापारी जो है वो कह रहे हैं कि मंडी का रेट जो है वो कम है।
जो बकरा पिछले साल 80,000 का बेचते थे वो लोग 60,000 मांग रहे हैं। गंदम का रेट नहीं था उसकी वजह से मेरे ख्याल में ये हुआ है। अब इंशाल्लाह अगली मंडी पे आपको बताएंगे कि उसका रेट कैसा लगता है।